नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 6 मार्च 2024 बुधवार का दिन है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष आज एकादशी तिथि है। नक्षत्र आज है पूर्वाषाढ़ा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:44 से लेकर 12:35 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 6:09 पे। चंद्रमा की स्थिति शाम 4:29 तक धनु राशि पे रहेंगे, इसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज का अशुभ काल का समय रहेगा तकरीबन सुबह 6:02 से लेकर सुबह 7:30 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी शुभ कार्य ना करें नहीं तो विघ्न आ सकते हैं। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की और ये प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि को आज स्वास्थ्य को लेकर घर में किसी भी सदस्य के सेहत से जुड़ी कोई यानी कि गलत खबर या यूं कहें कि कोई अस्वस्थ हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। पुरानी बीमारी कोई चल रही थी, थोड़ी सी हॉस्पिटलाइज खर्च बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कन्या राशि को आज कारोबारी हैं, बिजनेस व्यापार चला रहे हैं या फिर आप पार्टनर में कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो धन का लाभ होगा, एक दूसरे से सामंजस्य बना के रखना होगा। नौकरी में बदलाव, प्रमोशन, वेतन में वृद्धि होगी, ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, उच्च पद की प्राप्ति होगी, स्टाफ का सहयोग प्राप्त होगा, उच्च अधिकारी आज आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। कन्या राशि को आज रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे, जो कुछ समस्याएं थी परेशानियां थी वो दूर होंगी। इनकम के कई सोर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। अभी तक कोई कार्य अधूरा था, पेंडिंग था, तो उसे भी पूरा कर सकते हैं। धन संपत्ति में लाभ होता हुआ नजर आएगा। निश्चित ही यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जो काफ़ी समय से नहीं प्राप्त हो रहे थे। घर में बड़े भाइयों बहनों का सहयोग, माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। आज कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, जो कार्य अधूरे हैं यानी अभी तक जो पूरे नहीं हो पा रहे थे उन्हें भी पूरा करने का प्रयास करते नजर आएंगे। कारोबारी हैं तो निश्चित ही इसमें आपको काफ़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, कुछ महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकता है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुल सकते हैं, महत्वपूर्ण सफलता यानी अर्जित करेंगे। साथ ही जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे, दाम्पत्य जीवन में खुशी आएगी, वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, कदम से कदम मिलाकर जीवन साथी चलेंगे, जीवन साथी से धन लाभ की प्राप्ति भी होगी, संतान को लेकर गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। और किसी प्रकार कोई तकरार थे या फिर कोई दूरियां थी या फिर किसी प्रकार की समस्याएं थी पति पत्नी में, तो वो समस्याएं आज के दिन दूर होती नजर आएगी। और साथ ही साथ आज संतान की प्राप्ति, संतान से खुशखबरी मिल सकती है, कोई गिफ्ट उपहार मिल सकता है, समाज में मान सम्मान प्राप्ति होगी, सामाजिक क्षेत्र में आज आपका बोलबाला रहेगा, प्रेम जीवन काफी अच्छा रहेगा, यानी लव पार्टनर को आज कुछ गिफ्ट उपहार दे सकते हैं, उनके साथ रिश्ते काफी मधुर रहेंगे। साथ ही आज छोटी मोटी यात्रा होगी, फैमिली के साथ कहीं यात्रा घूमने फिरने जा सकते हैं। और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें खरीदारी करेंगे घर परिवार के लिए, क्योंकि आज घर की जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी काम करेंगे, जमीन प्रॉपर्टी को लेकर महत्वपूर्ण यानी शुभ समाचार मिलेंगे, अधूरे कार्य पूरे होंगे, जो कुछ समस्याएं थी परेशानी थी वो सब सारी समस्याएं और परेशानियां दूर होगी। स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, तो पढ़ाई लिखाई पे फोकस बना रहेगा, पढ़ाई पर आज आपको बेहतर ध्यान रखना होगा। आज दोस्तों के साथ घूमने फिरने से बचना होगा, क्योंकि एग्जाम सर पर है, यानी सामने एग्जाम चल रहा है, परीक्षाएं चल रही है, तो आपको ध्यान देना होगा। कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षा के भाग लेने के सोच रहे हैं तो काफ़ी अच्छा दिन रहेगा। साथ ही साथ आज इंटरव्यू वगैरह दे पाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ा चिंता हो सकता है, घर में किसी भी सदस्य के सेहत को लेकर थोड़ी समस्याएं आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ पुरानी बीमारियां उभर सकती है, फिर नए सिरे से कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही किसी को उधार कर्जा न दे, लॉटरी सट्टा से दूरी बनाए रखें, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, जमीन प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, राजनीतिक मसले हल हो सकते हैं। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य, शादी का आयोजन होगा, और जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो उनके लिए विवाह का अच्छा रिश्ता आएगा। आज आपका शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर और भाग साथ निभा तकरीबन आज आपका 80% शुभ अंक रहेगा 3। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।